मेडिकल कैंप लगा है हाई सेकेंडरी स्कूल में खिलैनी में, यहाँ मुफ्त दवाइयाँ मिल रही हैं। तो डॉक्टर साहब ने चेक किया, जो हमें प्रॉब्लम थी हमने बताई और हमें मिली दवाई। ये कैंप SSB की तरफ से लगाया गया है यहाँ, और हर बीमारी की दवाइयाँ यहाँ मिल रही हैं। ये तो बहुत जरूरी है, बहुत इतना जरूरी है कि यहाँ आम लोग तो सिटी में पहुँचना इस वक्त बहुत मुश्किल है, और गरीब गुरबा जो है यहाँ पहुँच सकता है आसानी से, इसके लिए ये बहुत एक खुश नसीबी की बात है हमारी कि बहुत अच्छा प्रोग्राम किया इन्होंने। आइंदा के लिए हमारी यही डिमांड है कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम हो, बहुत अच्छा है, हर गरीब तक ये सहूलियत पहुंच सकती है। ये कैंप हमारे SSB द्वारा लगाया गया है और हम ही गरीब लोगों के लिए लगाया गया है कैंप। इसमें ज्यादा से ज्यादा ये मेडिसिन जो है हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। ये फॉरफ्लंग एरियाज में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि फॉरफ्लंग एरियाज में जो मेडिकल ये फैसिलिटीज है ये बहुत ही कम मिलती है। यहाँ पे जो लोग होते हैं उनको बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है मेडिकल चीजें लाने के लिए, और ये हर एक मतलब टाउन में जो है ये मेडिकल फैसिलिटीज दी जा रही, तो इससे दूर दूर के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, और तो फ्री इनको ये मेडिसिन प्रोवाइड की जा रही है। जो ये स्पेशलिस्ट हैं ये SSB के द्वारा ही मंगाए गए हैं, यहाँ पर बहुत बड़े स्पेशलिस्ट हैं ये, और इनके साथ यहाँ पे ट्रूमा हॉस्पिटल वाले डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं, ये इनकी बहुत देखभाल करके मतलब दी जा रही है इनको फैसिलिटीज। खुशी तो बहुत मिलती है ऐसे ही, मतलब अगर घर के दहलीज पे आकर ये टेबलेट दें तो बहुत खुशी होती है। इससे जो होता है मतलब एक इसमें कंट्री के लिए नेशनलिज्म की फीलिंग अडॉप्ट हो जाती है। तो ऐसे जैसे अगर प्रोग्राम ये हर डेली अडॉप्ट मतलब हर मंथ अडॉप्ट करेंगे तो इससे हमें बहुत सारा फायदा मिलेगा। इधर कैंप लगा है तो बहुत अच्छे हैं, दवाई भी अच्छी देते हैं, हमें मिलती नहीं है उधर दवाई, दूर जाना दूर, अस्पताल भी हमारे दूर है, तो इधर बहुत अच्छी दवाई देते हैं, हमें घर में ही दवाई मिल रही है, तो इसलिए आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत डॉक्टर अच्छे हैं, बहुत खुशी है हमें, ये बहुत अच्छी दवाई भी देते हैं, हमें नजदीक मिल रही है दवाई, ये बहुत अच्छे। और आज हम यहाँ पे ये देखने आए हैं जो ये मेडिकल वगैरह जो उन्होंने ये किया है, तो इसमें हम भी दवाई लेने आए हैं। हम बहुत दूर हॉस्पिटल से बहुत दूर रहते हैं, और हमें बहुत जरूरी बहुत प्रॉब्लम पड़ती है यहाँ पे, और ये जो दे रहे हैं कोई गरीब लोग होते हैं, किसी के पास खाने का पैसे नहीं होते हैं, तो ये लोग जो इनकी हेल्प करते हैं तो बहुत जरूरी होता है ये हमारे लिए। ये जो यहाँ पे SSB क्लिनिक की तरफ कैंप लगाया गया था, लोगों का रुझान आप देख ही रहे हैं, काफी सारे लोग आए यहाँ पे, फ्री मेडिसिन मिल रही है, फ्री चेकअप हो रहा है, तो अभी भी लोग आ ही रहे हैं, काफी अच्छा रहा इसका रिस्पॉन्स। यहाँ पे हर एज ग्रुप्स के आ रहे हैं, जैसे बच्चे भी आ रहे हैं, ज्यादा यंगस्टर्स ही देखने को मिल रहे हैं, जो ज्यादा एज लोग हैं वो भी आ रहे हैं, लेकिन यंगस्टर्स की जो तादाद है काफी ज्यादा है। ये बहुत ही जरूरी था, और आप जानते हैं कि SSB की तरफ से यहाँ पे काफी सारे कैंप्स लगते हैं, तो बहुत अच्छा है ऐसे कैंप्स लगते रहें, तो लोगों को काफी हेल्प मिलती है ऐसे कैंप्स से। कैंप तो बहुत ज्यादा जरूरी है, कैंप्स लगने चाहिए, जगह जगह पे लगने चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि क्लिनिक को छोड़ के फार फ्लांग एरियाज में भी लगने चाहिए, जहाँ पे मतलब हॉस्पिटल्स की इतनी फैसिलिटीज नहीं है। बहुत अच्छी बात है, कैंप्स तो लगने चाहिए, हर जगह पे लगने चाहिए। ये हमारा एक हमेशा की तरह मेडिक सिविक एक्शन जो SSB में अक्सर चलता है, उसी तरह उसी के क्रम में ही आज हम लोगों ने यहाँ पर डोडा के घिलानी एरिया में मेडिक सिविक एक्शन का एक आयोजन किया गया है, जिसमें हमेशा की तरह यहाँ के लोग, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और सभी तरह के जो लोग हैं यहाँ पर अक्सर आते हैं और अच्छे आते हैं, जिसमें विभिन्न बीमारियों से जो ग्रसित होते हैं, चाहे ओल्ड एज हो, लेडीज हो, बच्चे हो, सभी तरह की बीमारियां का लगभग हम लोग यहां पर उपचार उनको दवाइयां देते रहते हैं, और मुफ्त में दवाइयां देते हैं और बहुत अच्छी दवाइयां प्रदान करते हैं।